हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको 2 आर्क्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने मेरी पिछली वीडियोस में 3 आर्क्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पूरा प्रोसीजर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है सारी वीडियोज़ की, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। 2 आर्क्स को सॉल्व करने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल लिया, ये जनरल न्यूमेरिकल है जो ज़्यादातर पूछा जाता है। ओके, न्यूमेरिकल ऐसा है कि फाइंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एच निकालना है फॉर 2 आर्क्स विथ ए पॉइंट लोड डब्लू। एक पॉइंट लोड दिया डब्लू जो कि ए डिस्टेंस पर है, स्मॉल ए डिस्टेंस पर है कैपिटल ए पॉइंट से, ठीक है। और जो राइज दिया है वो हमें आर दिया है, ठीक है। तो ए पॉइंट पर एक तो वर्टिकल रिएक्शन लगेगी वी ए और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगी H। सिमिलरली B पॉइंट पर VB और H, ठीक है। ये पॉइंट लोड W एक्ट कर ही रहा है एक डिस्टेंस पर कैपिटल A पॉइंट से, ठीक है। तो हमें पहले निकालना है एक तो VA और VB। VA प्लस VB इक्वल टू W हो जाएगा, VA प्लस VB इक्वल टू W। और A पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो, A पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लो मतलब इस पॉइंट पर इधर खड़े हो जाओ, तो मोमेंट क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वी बी इंटू एल, ठीक है। तो वही मैंने किया है, वी बी इंटू एल, माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो माइनस वी बी इंटू एल, उसके बाद डब्ल्यू इंटू ए, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इसलिए पॉजिटिव में, तो प्लस डब्ल्यू इंटू ए। इधर से वी बी कितना आ गया, डब्ल्यू ए बाय एल। इस वी बी को इस इक्वेशन में पुट किया, ठीक है, तो उधर से हमारा फिर VA आ जाएगा। तो VB पुट करने के बाद VA कितना आया, W इंटू एल माइनस ए अपॉन एल। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है H इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to L एम वाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में अपॉन 0 to L वाई स्क्वायर डी एक्स। एम क्या है, अपना M मूवमेंट है। Y क्या है, अपना Y है इक्वेशन ऑफ आर्च, इक्वेशन ऑफ आर्च। मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ आर्च क्या है, ठीक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। तो इक्वेशन ऑफ आर्च है 4h अपॉन l स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये जो मूवमेंट है इसको 2 हिस्से में बांट लेंगे ताकि हम लोगों को आसानी हो इंटीग्रेट करने में, ठीक है। तो एक तो हम लोग लेंगे एम वन जो कि होगा 0 to A और एक होगा अपना एम टू जो कि होगा 0 to L माइनस ए। अगर ये हिस्सा A है तो ये वाला हिस्सा कितना होगा L माइनस ए, ठीक है, L माइनस ए। तो वही मैंने इधर किया है एम वन वाई डी एक्स 0 to A प्लस 0 to L माइनस ए एम टू वाई डी एक्स अपॉन 0 to L वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूमरेटर वन, इसको बोलेंगे न्यूमरेटर टू, इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है, ताकि हम लोगों को आसानी हो इंटीग्रेट करने में, ठीक है। तो h इक्वल टू न्यूमरेटर वन प्लस न्यूमरेटर टू प्लस सॉरी अपॉन डिनोमिनेटर। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ओके। तो न्यूमरेटर वन इक्वल टू वो क्या था, एम वन वाई डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग एम वन निकालेंगे पहले। एम वन कैसे निकालेंगे, इधर इस पॉइंट पर खड़े हो जाओ और जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं वो सारे देखो। तो एक तो ये VA लग रहा है, VA इंटू ये x डिस्टेंस, ओके। तो वही मैंने इधर किया है VA, ये अपना VA है इंटू x, ठीक है। VA जो हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, VA ये कैलकुलेट कर चुके हम लोग जो कि है W इंटू एल माइनस ए अपॉन एल, ठीक है। VA इंटू x इंटू y, ठीक है, y का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो y में ये जो h है, ठीक है, एच क्या है, अपना एच है राइज, ठीक है। तो राइज कितना दिया हम लोगों को, आर दिया, स्मॉल आर। तो वही मैंने इधर लिखा है 4 into R अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारा न्यूमरेटर वन की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे न्यूमरेटर टू इक्वल टू 0 to L माइनस ए एम टू वाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इधर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद जितने फोर्सेस लग रहे हैं सारे देखेंगे। तो वी बी इंटू ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो वी बी इंटू एक्स। वी बी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही चुके, ओके।
तो ये हमारा वी बी इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये हमारा वाई है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे ये न्यूमरेटर डू की वैल्यू आई है डब्ल्यू आर ए इंटू एल माइनस ए का होल क्यूब इंटू एल प्लस थ्री ए अपॉन थ्री एल स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे डिनोमिनेटर को, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या फॉर्मूला था, जीरो टू एल वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। वाई का जो मैंने आपको बताई दिया ये हमारा वाई है। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद डिनोमिनेटर में आ गया एट अपॉन फिफ्टीन आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद न्यूमरेटर वन न्यूमरेटर टू और डिनोमिनेटर की वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारा एच का फॉर्मूला आ गया, फाइव अपॉन एट डब्ल्यू अपॉन आर ए इंटू एल माइनस ए इंटू एल स्क्वायर प्लस ए एल माइनस ए स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, ठीक है। एक तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होता है इस फॉर्मूले का, तो आप एक तरह से इसको याद कर लीजिए। ओके, तो आई होप कि आपको टू हिंज्ड आर्च को कैसे सॉल्व करते हैं आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और आपका अगर कोई सजेशन है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ओके, थैंक यू सो मच।